वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम जा रहे हैं सदौर मार्केट दिवाली आने वाली है तो सदौ मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी देखने के लिए भी और ख़रीदने के लिए भी तो आप वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिए वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मतलब दिवाली के पर्पज़ से आप वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं और कितने कितने प्राइस में वो मिल रहा है साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मर भूलिए क्योंकि इसी वीडियो के बाद में मैं एक हॉल वीडियो डालूंगी जिसमें मैं ये शेयर करूंगी कि मैंने सदो मार्केट से क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं तो मेक श्योर sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सदो मार्केट जाने के लिए सबसे नियरेस्ट स्टेशन जो है वो है तीस हजारी कोट का यहाँ से आपको दस बीस रुपये लेंगे रिक्शा वाला और डायरेक्टली आपको जो है ना सदो मार्केट में छोड़ेंगे तो मार्केट में घुसते ही मैंने सबसे पहला जो स्टॉल चेकआउट किया वो ये मेकअप वाला स्टॉल था यहाँ पर आपको दस रुपये से लेकर ना सौ रुपये तक के चीज़ें मिल जाएंगी दस रुपये में लिपस्टिक नेल पिंट्स मिल जाएंगे सौ रुपये में आपको आई शेडो पैलेट्स मिल जाएंगे एंड यही चीज़ें अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में ख़रीदते तो और कम प्राइस में भी मिल जाएगा बेसिकली ये वो वाला स्टॉक होता है जब शॉपकीपर नया स्टॉक डालते हैं ना तो वो पुराना स्टॉक जो है अपने शॉप से निकाल देते हैं तो ये वही वाला स्टॉक है बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी थी एंड ये जो नेल पेंट्स आपको दिख रहे हैं ये स्विस ब्यूटी ब्रांड के थे ऐसा ही मैंने एक और स्टॉल चेकआउट किया था वहाँ पे भी सारे स्विस ब्यूटी के और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के जो है ना आ, नेल पेंट्स और आई शेडो ये सारी चीज़ें थी यही वाला स्टॉल है वो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें स्विस ब्यूटी की मिल जाएंगी एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिलेगा जैसे ये वाला आप अगर ऑनलाइन चेक करें तो आपको डेढ़ सौ तक का मिलेगा यहाँ पर सिर्फ फिफ्टी रुपीज़ में मिल रहा था ये तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सदर मार्केट में आपको अपनी शॉप के लिए लेना है तो भी मिल जाएगा और आपको अपने खुद के लिए लेना है तो भी मिल जाएगा ऐसा नहीं है कि ये पटरी पे मिल रहा है तो ये ख़राब होगा नहीं ये वही चीज़ें होती हैं जो शॉप कीपर अपने शॉप में बेचते हैं वेंडर्स अपने शॉप के लिए ख़रीद के लेके जाते हैं और आप जो है शॉप कीपर से ख़रीदते हो तो आप बिना जो है डरे यहाँ से चीज़ें ख़रीद सकते हैं आप एक्सपायरी डेट एक बार ज़रूर चेक कर लें अगर आप जो है यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं तो कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं है डेट मेंशन होता है बॉक्स के पीछे तो एक बार वो ज़रूर चेकआउट करें उसके बाद जो है आपको इस तरीके के बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आपको सिर्फ नेल पेंट्स और लिपस्टिक ही दिखेंगे यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना स्विस ब्यूटी ब्रांड की थी और भी बहुत सारे ब्रांड्स थे तो एक, -एक करके मैंने ब्रांड चेकआउट नहीं किया लेकिन बहुत सही था यहाँ पर आपको बीस रुपये दस रुपये इस तरीके की रेंज में जो है चीज़ें मिल रही थी तो नेक्स्ट जो स्टॉल मैंने चेकआउट किया वो है ये दिवाली के पर्पज़ से यहाँ पर सारी चीज़ें थी जैसे शुभ दिवाली लगाते हैं ना अपने गेट के बाहर रंगोली तोरण ये सारी चीज़ें थी एंड तोरण जो है आपको वन थर्टी रुपीज़ तक का मिल जाएगा यहाँ पे बहुत अच्छा उसके बाद मैंने ये फ्लावर वाला शॉप चेकआउट किया ऑफ़कोर्स दिवाली है तो आप अपने घर को डेकोर करने के लिए फ्लावर तो लेंगे ही यहाँ पर आपको हंड्रेड रुपीज़ से स्टार्टिंग थे फ्लावर्स एंड बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स का कलेक्शन था भैया के पास एकदम न्यू पुराना जो स्टाइल था वो एक भी नहीं दिख रहा था मुझे नए नए स्टाइल में बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड मेरा जो है ना हॉल वीडियो ज़रूर देखे उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे क्योंकि मैंने इस बार बहुत सारे फ्लावर्स खरीदे हैं सदर मार्केट से ट्री पे भी जो है फ़्लावर के स्टॉल्स दिख जाएंगे ये भैया यहाँ पे सौ पचास रुपये में जो है गुलाब के फूल बेच रहे थे गमले के साथ ये आई थिंक हंड्रेड रुपीज़ और वैसे जो है हंड्रेड रुपीज़ का एक और फिफ्टी रुपीज़ का एक इस तरीके की रेंज में दे रहे थे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर भी आपको जो है छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी तो ये फ्लावर जो है ना बिल्कुल रियल लग रहा था रियल रोज़ लग रहा था तो ये मुझे काफ़ी सही लगा तो यहाँ वाले छोटे छोटे स्टॉल्स भी आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको फ़्लावर के मिल जाएंगे उसके बाद मैंने इस तरीके के स्टॉल्स भी चेकआउट किए तो यहाँ पर आपको पूरा पैकेट ही मिलेगा सौ डेढ़ सौ दो सौ इस तरीके की रेंज में अगर ये सिंगल सिंगल पीस आप लेंगे ना तो आपको हंड्रेड रुपीज़ का ही मिलेगा तो कोई प्रॉफिट नहीं है अगर जो आपकी शॉप वगैरह है या आपको बहुत सारा जो है ईयर चाहिए ऑनलाइन सेल करने के लिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं बैंगल्स के भी सदर बाज़ार में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी यहाँ पे बैंगल्स मिलते हैं ये वाला ईयर का सेट जो है ये मुझे काफ़ी सही लगा ये भैया दो कुछ रुपये का जो है पूरा दे रहे थे जिसमें आपको ट्वेल्व पेयर्स मिल जाएंगे एंड इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन थे भैया के पास उसके बाद एक शॉप के बाहर इस तरीके की डेकोरेशन लगी हुई थी तो ये कैंडल जो है कैंडल स्टैंड ये वन फिफ्टी का भैया दे रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें हंड्रेड वन फिफ्टी इस तरीके की रेंज में डेकोरेशन का दे रहे थे तो ये कैंडल स्टैंड मुझे काफ़ी सही लगा भैया थोड़ा कम करते तो मैं ये ले लेती लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिल जाएंगी आपको सदा मार्केट में क्लिप्स क्लैचर ईयरिंग्स हेयर एसेसरीज़ ये सारी चीज़ें तो मार्केट में आपको हर जगह हर तीसरे स्टॉल पे मिल जाएगा ये फिफ्टी रुपीज़ में भैया दो हेयर एसेसरीज़ दे रहे थे तो सौ पचास रुपये में ना आपको खुद के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी एंड अगर आप बल्क में लेते हैं तो ऑफकोर्स बहुत सस्ती मिलेंगी ये चीज़ें उसके बाद पटरी पर ना आपको बहुत सारा होम डेकोर भी मिल जाएगा जैसे कि आपको ये वाले uh, मूर्ति जो आप ख़रीदते हैं ये पचास रुपये में आई थिंक दस्ते थे साठ रुपये में दस्ते ये वाले आप किसी भी कलर का ले सकते हैं आंटी के पास बहुत सारे कलर्स थे ये वाले डेकोरेशन भी मिल रहे थे ये भी आंटी पचास साठ रुपये में ही दे रहे थे सौ रुपये का आई थिंक पेयर दे रहे थे पचास रुपये में एक लोकल मार्केट से खरीदेंगे तो ढाई सौ रुपये से कम का नहीं मिलेगा और ये सिंगल सिंगल दस दस रुपये के मोती मिलते हैं उसके बाद यहाँ पे जो है शुभ लाभ के मुझे काफ़ी सारे अच्छे न्यू ऑप्शंस दिखे रंगोली के बीस तीस रुपये में तो बीस रुपये में जो ये है ना शुभ लाभ इस तरीके के शुभ लाभ मिल रहे थे तीस रुपये में रंगोली मिल रही थी एंड और भी जितनी चीज़ें दिवाली में यूज़ होती है ना सारी चीज़ें थी तो मिनिमम टेन रुपीज़ एंड मैक्सिमम थर्टी रुपीज़ तक की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी बहुत सही है अगर आपके पास टाइम है ना तो एक बार सदर मार्केट ज़रूर जाके चेकआउट कर लो बहुत सारे पैसे आपके बच जाएंगे उसके बाद ऑफकोर्स दिवाली है तो कैंडल्स तो मिलेंगे ही तो यहाँ पर आपको फिफ्टी सिक्सटी हंड्रेड इस तरीके के पैकेट्स मिल जाएंगे कैंडल्स के यही चीज़ें अगर आप शॉप से खरीदने जाएँ तो ढाई सौ सौ रुपये का एक एक पैकेट मिलेगा या फिर ऑनलाइन भी अगर आप चेक करें ना तो ढाई सौ तीन सौ रुपये का एक पैकेट मिलेगा यहाँ पर आपको ढाई सौ तीन सौ रुपये में तीन चार पैकेट मिल जाएंगे उसके बाद ये शुभ दिवाली वाला तोरण जो लगाते हैं ना बहुत सारे थे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन थे एंड सिर्फ फिफ्टी रुपीज़ में लोकल मार्केट में यही आप चेकआउट करेंगे तो आपको ढाई सौ तीन सौ इस तरीके की रेंज में मिलेंगे ये डेकोरेशन वाले इस पे अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी राजस्थानी प्रिंट में था ये सारा जयपुरी वर्क में था तो काफी अच्छा लगा ये मुझे काफी यूनिक और अलग लगा और फिफ्टी फिफ्टी रुपीज में ये मिल रहे थे तो ये वाली चीजें आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो इस तरीके का होम डेकोर और भी आपको सिक्सटी रुपीज़ में टेन और ट्वेल्व के सेट्स मिल रहे थे यहाँ पर पटरी पे और ये भी आपको थर्टी फिफ्टी रुपीज़ में ये वाला भी मिल रहा था लाइट्स बहुत सारे मिल रहे थे वन ट्वेंटी रुपीज़ के यहाँ पे जितने भी लाइट्स दिख रहे हैं आपको अलग अलग रेंज है मैंने जो पूछा था वो वन का था काफ़ी अच्छा लग रहा था वो बॉल वाला दिवाली है और जगमग जगमग ना हो तो मज़ा नहीं आता ना तो लाइट्स एक बार जरूर देख लेना और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे टेन टेन रुपीज़ में जो है इस तरीके के शुभ दीपावली मिल रहे थे ट्वेंटी थर्टी में आपको जो है माला मिल जाएगा जो कि हम भगवान जी को चढ़ाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस थे यार टाइम है तो ज़रूर एक बार जाओ सदा मार्केट एंड सारी चीज़ों को खुद देखो ऑब्जर्व करो फिर लो ये एक और स्टॉल चेक किया है ये जो पिंक वाला आपको दिख रहा है ये भैया वन एट्टी रुपीज़ का दे रहे थे काफ़ी सुंदर है मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि अगर आप मार्केट में जाएंगे लोकल मार्केट में तो ये चीज़ें काफ़ी महंगी आपको मिलेंगी मतलब ये वन एटी का तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको तीन सौ ढाई सौ साढ़े तीन सौ इस तरीके की रेंज में मिलेगा तो काफ़ी सारे तोरन्स थे भैया के पास काफ़ी रीजनेबल प्राइस में थे ऑफकोर्स अदर मार्केट है तो चीज़ें तो सस्ती होंगी ही उसके बाद मैंने एक और होम डेकोर वाला जो है शॉप चेकआउट किया तो यहाँ पर आपको इस तरीके की लीव्स मिल जाएंगी वन फिफ्टी टू हंड्रेड इस तरीके की रेंज में ट्वेल्व और ट्वेंटी फ़ोर का सेट रहता है इनका एक दो नहीं मिलेगा ट्वेल्व और ट्वेंटी फ़ोर ही लेना पड़ेगा एंड ये वाली जो शॉप है ना यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ़्लावर्स थे तो ये वाला शॉप भी ज़रूर चेकआउट करिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पर और फिर हम चलते हैं पटरी पे पटरी पे आपको ना बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे दिवाली के पर्पस से आपको बहुत सारा स्टॉक सदा मार्केट में देखने को मिल जाएगा काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे तो एक बार आप पूरा मार्केट घूम लो देख लो चीज़ें जहाँ पे अच्छी लगे रीजनेबल प्राइस में लगे वहाँ से लो और उसके बाद हमने गणपति जी की लक्ष्मी जी की ये वाली मूर्ति का स्टॉल चेकआउट किया एंड यहाँ पे 130, 150 इस तरीके की रेंज में जो है मूर्तियाँ मिल रही थी मतलब हमने छोटे वाले का ही प्राइस पूछा बड़े वाले का प्राइस ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन ये छोटी छोटी मूर्तियाँ है ना ये वन थर्टी वन की ही रेंज में थी फुल डेकोरेशन था इन मूर्तियों में ये मिट्टी के थे प्लस इन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई थी इनके ड्रेसेस थे तो ऐसी अगर मूर्ति लोकल मार्केट में लेने जाएँ तो तीन सौ चार सो से कम का नहीं मिलने वाला उसके बाद जो है ना ये ग्रीन मार्केट वाली लेन है एंड यहाँ पर आपको पैकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चाहिए संडे को छोड़ के यहाँ पर मिलती हैं उसके बाद जो है मैंने ये वाला जो छोटा सा स्टॉल था यहाँ चेकआउट किया दस दस रुपये में यहाँ पर ये पूरा सेट मिल रहा था चूड़ियों का तो इसमें ना कुछ डिफेक्टिव भी रहते हैं मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत सही मिल रहा था दस रुपये में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं चीज़ें कह रही हो काफ़ी सारी चूड़ियाँ इसमें टूटी भी निकल सकती है अगर आप टेन रुपीज़ का ले रहे हो लेकिन टेन रुपीज़ के अकॉर्डिंगली ठीक है अगर चूड़ियाँ ठीक निकल गई तो ठीक है अगर थोड़ी टूटी निकल गई तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो एक दूसरे को ज्वाइन करके पहन लो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा आ, मतलब छोटे छोटे वाले माले जो होते हैं ना वो वाला माला मिल रहा था आ, पाँच पाँच रुपये में पाँच पाँच रुपये में मिल रहा था उसके बाद हम रूही मंडी के अंदर गए तो सबसे पहले हमने जो है चूड़ियों का स्टॉल चेकआउट किया एंड इन भैया के पास फिफ्टी रुपीज़ हंड्रेड रुपीज़ के चूड़ियों के बॉक्स थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे तो चलिए भैया के शॉप में जो बैंगल्स का कलेक्शन है जो हमने एक दो बैंगल्स ट्राई किए वो देख लेते हैं उसके बाद मैंने ये वाला मेकअप का स्टॉल चेक किया यहाँ पर आपको मैक के ग्लिटर और हाइलाइटर मिल रहे थे सौ रुपये के छः और सौ रुपये के चार काफ़ी अच्छे थे इनका पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था पिगमेंटेड थे काफ़ी अच्छे से जो है इनके पास जो क्रीम बेस्ड होते हैं ना वो वाले ग्लिटर्स भी थे और जो पाउडर फॉर्म में होते हैं वो वाले ग्लिटर्स भी थे पाउडर फॉर्म वाले सौ के छः थे और वैसे वाले चार थे तो काफ़ी अच्छा था अगर आप ये सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो भी सदा मार्केट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ पर सिक्सटी फिफ्टी इस तरीके की रेंज में जो है ईयर मिल रहे थे संडे को आपको ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स सस्ती मिलेंगी थर्टी ट्वेंटी इस तरीके की रेंज में मिलेंगी लेकिन आप और किसी दिन जाएंगे तो ये आपको फिफ्टी सिक्सटी इस तरीके की रेंज में मिलेगी लेकिन ऑप्शनस आपको सारे मिल जाएंगे तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर आपको टेन टेन रुपीज़ के बिंदी के पत्ते भी मिल जाएंगे उसके बाद मैंने अपना फेवरेट शॉप चेकआउट किया जो कि रुई मंडी में लगता है कोई इनका जो है शॉप नंबर नहीं है जो कि मैं बता सकूं लेकिन ये रुई मंडी में सीधी लाइन में लगता है संडे के दिन भी लगता है काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाएंगे 50 60 रुपीज़ में ईयर मिल जाएंगे आपको यहां पे बड़े बड़े झुमके और पार्टी वेयर ईयर जो हैं यहाँ पर 200, 250 इस तरीके की रेंज में मिल जाएगी लेकिन ये जो है ना शॉप के बाहर लगते हैं रोड पे लगते हैं तो ये वाली जो इयरिंग्स होते हैं ना वो थोड़े से कॉस्टली आपको मिलेंगे यही अगर आप अंदर जाके खरीदेंगे तो आपको 50, साठ रुपए का प्राइस में अंतर देखने को मिल जाएगा तो अगर आपको बाहर से लेना है तो बाहर से ले सकते हैं अगर थोड़ा सस्ता लेना है तो आप संडे को छोड़ के किसी और दिन जाएँ तो आपको अंदर जो है बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको यही ज्वेलरी फिफ्टी सिक्सटी रुपीज़ कम अमाउंट में मिलेगी उसके बाद जो है मैंने ये वाला शॉप चेकआउट किया एंड यहाँ पर आपको ब्राइडल ज्वेलरी एक से बढ़कर एक मिल जाएगा यार मतलब 500 600 रुपीस से स्टार्टिंग है और यहाँ पर जो है 2500 रुपीस मैक्सिमम में आपको बहुत अच्छा ब्राइडल सेट मिल जाएगा तो अगर आप ब्राइड बनने वाले हैं तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं तो हमें स्टेशनरी लेनी थी तो हम आगे स्टेशनरी वाली लाइन में ही जा रहे हैं लेकिन आपको इस लाइन में भी बहुत सारे बैंगल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे ईयर के ऑप्शन मिल जाएंगे एंड जो बाहर आपको चीज़ें फिफ्टी रुपीज़ में मिलती हैं अंदर आपको थर्टी रुपीज़ का मिलेगा लेकिन भैया एक पेयर नहीं मिलेगा आपको पैकेट्स लेने पड़ेंगे ये झुमके के सेट यहाँ पर आपको हंड्रेड रुपीज़ फिफ्टी रुपीज़ सिक्सटी रुपीज़ में एक भी मिल जाएगा और आप बहुत सारा लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा साथ ही साथ इस तरीके के क्यूट क्यूट कौली वाले पायल भी मिल रहे थे यहाँ पर दोनों तरीके से पहन सकते हैं हाथ में पहन लें या फिर पैर में पहन लें बहुत अच्छे लगे ये मुझे तीस रुपये बीस रुपये इस तरीके के पैकेट्स मिल रहे थे यहाँ पर एंड काफ़ी सारे शॉपकीपर्स खरीदते भी हैं उसके बाद मैंने ये वॉलेट वॉलीट वालेस्टॉल चेकआउट किया यहाँ पे हंड्रेड रुपीज़ से स्टार्ट थे इस लेन में आपको हेयर एसेसरीज के भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे रिंग्स मिल जाएंगी तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी एंड ये है स्टेशनरी वाली शॉप जहाँ से हम स्टेशनरी लेते हैं अगर आपको भी लेना है तो ये वाला शॉप ज़रूर चेकआउट करें फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा शॉप नंबर स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा काफ़ी सस्ती और अच्छी स्टेशनरी मिलती है इन भैया के पास तो यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी लाइक पेन खरीदे कलरफुल पेन खरीदे पेंसिल्स खरीदे इरेजर खरीदे तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं और भी कलर्स के फाइल रजिस्टर्स ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी इस वाली लेन में तो हर एक शॉप में मिलेगी आपको उसके बाद हमने जो है ये पाउच वाला शॉप चेकआउट किया जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के पाउचेस मिल जाएंगे जिसमें बच्चे पेन रखते हैं पेंसिल रखते हैं या फिर आप और भी किसी यूज़ में ये पाउच ले सकते हैं लेकिन वही है कि यहाँ पर जो है आपको पूरा बंच लेना पड़ेगा एक दो पीस नहीं मिलेगा यहाँ पर भी उसके बाद मैंने ये वाला ईयरिंग्स का स्टॉल चेकआउट किया ये सेम ईयरिंग्स मैंने आपको बाहर भी दिखाए थे लेकिन वहाँ पर जो है पचास रुपये महँगा मिल रहा था यहाँ पे पचास रुपये सस्ता मिल रहा था मतलब जो वहाँ पे तीन सौ रुपये का मिल रहा था यहाँ पे टू फिफ्टी का मिल रहा था जो वहाँ पे टू फिफ्टी का मिल रहा था यहाँ पर टू हंड्रेड का मिल रहा था तो मतलब अंदर से खरीदेंगे ज्वेलरीज तो आपको और ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू पटरी पर जो होती हैं उससे लास्ट में हमने ये पेंटिंग वाला स्टॉल चेकआउट किया जो वॉल पे पेंटिंग्स टांगते हैं वॉचेस टांगते हैं एंड काफ़ी सारे डेकोरेशन भी थे इन भैया के पास लेकिन वही है कि यहाँ से आपको बारह और 6 का सेट खरीदना पड़ेगा तो काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एक पेंटिंग अगर आप देखें तो आपको सेवेंटी रुपीज़ का पड़ जाएगा यहाँ से तो बारह का सेट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करिए सो दैट उनको भी पता चले कि इस दिवाली में उनको कहाँ से क्या चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी इसी तरीके के वीडियोज देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप इस फेस्टिवल सीजन में अपना और अपने अपनों का खूब सारा ध्यान रखें मिल हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय